उसने जबरदस्ती मेरे मांग में सिंदूर डाल के पत्नी के रूप में स्थापित किया और जबरदस्ती फिजिकल अटेंड किया, जिसके नाम से मैं बदनाम हुई हूँ। बस अब उसी के नाम की, मतलब उसी की पत्नी बनूँ। मेरे को अब समझ में आ रहा है कि उसके माइंड में हमसे शादी करना नहीं था, बस आया था मुझे यूज़ करने के लिए। 2012 में जब ये 9th क्लास में पढ़ रही थी, उस दौरान 10वीं में पढ़ने वाले एक लड़के से इनको प्यार होता है। हालांकि तब ये उस चीज़ से अनजान थी। ये रिश्ता चला तकरीबन 9-10 साल तक, कोई समस्या नहीं हुई। लेकिन उसके बाद जब नौबत आई कि अब शादी करेंगे हम, फिर खेल वहीं से बिगड़ गया। हम बातचीत करते हैं, पूरे मामले को समझते हैं। मैं 2012 में 9th क्लास में पढ़ती थी, ध्रुव कुमार सिंह 10th क्लास में पढ़ता था, इस्लामिया स्कूल इंटरमीडिएट कॉलेज एक स्कूल है फेफना में, हम लोग दोनों लोग साथ में वहीं पे पढ़ते थे। तो वहीं से उसने मुझे प्रपोज़ किया, 10 रुपये का बिस्किट देके, 5-5 का 2 बिस्किट दिया था मुझे, क्रीम बिस्कुट था ऑरेंज वाला। और वहाँ से हमारी कहानी स्टार्ट होती है। कहानी हमारी ठीक ही चल रही थी। 2016 में लड़की का सिलेक्शन हो गया था, इंडियन नेवी में उसका सिलेक्शन हो गया था। और 2017 में उसने मतलब फिजिकल के लिए मुझे प्रेशर दिया, तो मैंने मना की, तो उसने ज़बरदस्ती मेरे मांग में सिंदूर डाल के पत्नी के रूप में स्थापित किया और ज़बरदस्ती फिजिकल अटेंड किया। 2017 में, 2012 के बाद 5 साल बाद ये चीज़ें आई। मांग में सिंदूर कहाँ डाला था? शादी उसने किया था किसी तरीके से, या फिर ऐसे ही बस उसी के लिए उसने मांग में सिंदूर डाला? अब ये तो वही जानता है ना, ये तो मेरे पास था नहीं, क्योंकि उसका तो मेन मोटिव क्या था, फिजिकल ओनली था, कि रिलेशन मेरे साथ निभाना था, कि मेरे साथ पूरी लाइफ उसको रहना था, ये तो उसके माइंड में चल रहा था। मैं तो लगभग 17 साल की थी, मैं तो बच्ची थी, क्या ही बता सकती हूँ। सिंदूर कहाँ डाला था उसने, कौन सी जगह? मेरे घर से 50-60 मीटर डिस्टेंस पे मेरा एक गेस्ट हाउस है, डेरा है, मतलब वो तीनों फैमिली का डेरा है, वहीं पे। ये खबर फिर आपके परिवार को पता चली, या उसके परिवार को पता चली कि आपके मांग में सिंदूर डालकर उसने आपसे शादी कर ली है? सबको पता था, हमारी शादी हो गई, उसके भी फैमिली में सबको पता था, मेरे भी फैमिली में सबको पता था, बस दिखावा के लिए घर से शादी बस करना था। तो उस टाइम मैं बच्ची थी जब आई, उसी हालत में पूरा सिंदूर वगैरह लगा था, उसी हालत में हम घर पे रोते रोते आए थे। मम्मी ने मुझे मारी भी थी और 1-2 दिन के लिए घर में ऐसे बंद कर दी थी। फिर सभी लोग रिलेशन वगैरह वाला समझाए कि चलिए क्या दिक्कत है, अरे कहीं तो कहीं ना कहीं तो लड़की की शादी करनी है ना, कहीं भी जाएंगे तो करना ही है, तो क्या दिक्कत है, लड़का भी ठीक ही ठाक है, नौकरी अच्छा करता ही है, जो होगा कर दिया जाए, क्या दिक्कत है, अब तो दोनों ने गलती कर दिया है। तो मम्मी बोली कि ठीक है, उसके पापा को फ़ोन लगाओ। तो मेरी मम्मी उसके पापा को फ़ोन लगाई, सारी बात बताई कि ऐसा ऐसा आपका लड़का कर नहीं करके गया है, ले जाइए इसको घर पे, नहीं तो शादी 5 से 6 महीने के अंदर डेट कोई फिक्स करिए, हम लोग शादी इसकी करा दिया जाए। उसका पापा उस टाइम बोला कि देखिए अब तो जो उन्होंने बच्चा है बचपना उन लोग तो कर दिया है, लेकिन हम लोग बड़े हैं तो बड़े होकर कुछ निर्णय लें, ऐसा है कि शादी हम लोग फिक्स कर लेते हैं, जैसे ही दोनों बड़े होंगे शादी हम करवा देंगे, क्योंकि अभी मेरे बेटे का भी अभी 1 साल पहले ही मतलब कुछ टाइम पहले ही उसका सिलेक्शन हुआ है, तो और मेरी अभी 2 बेटी है, उसकी शादी हो जाए तो हम धूमधाम से इन दोनों की शादी बढ़िया से करवाएंगे, जब तक चल रहा है चलने दीजिए, अभी वो भी बच्ची है, बड़ी हो जाने दीजिए उसको। और वहीं पे 2017 में हमारी शादी फिक्स हो गई थी, फाइनल हो गई थी, हम लोग फाइनल स्टेज, हमारी शादी पक्की थी, शादी करने वाले थे हम, पूरे हमारे रिलेशन में भाई बहन सब पूरे रिलेशन में सबको पता था कि इसकी शादी फिक्स हो गई है, शादी वहीं पर करनी है। लेकिन फिर धीरे धीरे दहेज का मैटर आने लगा, उन लोगों का माइंड चेंज होने लगा, और उसके माँ बाप, उसके माँ बाप सबसे ज़्यादा, उन्हीं लोग सबसे ज़्यादा दिक्कत किए हमारे, कि अच्छे अच्छे उसके शादी मतलब अच्छी नौकरी थी उसकी, तो अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे, अच्छे अच्छे दहेज मिल रहे थे, इसी में उन सबका माइंड डाइवर्ट हुआ और उसके बाद से अब मेरे को छोड़ना उन लोगों ने माइंड बना लिया। FIR में हमने देखा कि लिखा गया उसमें अबॉर्शन वगैरह का भी जिक्र हुआ, तो ये चीज़ें कब हुई? ये मार्च 2023 की बात है। 2023 की बात है जी। 17 में ये चीज़ें तय हो गई कि शादी होगी, तो फिर कितना समय लिया उनके परिवार वालों ने कि हमें इतना समय दीजिए, फिर इतने समय बाद हम शादी कर देंगे? समय नहीं लिए, बोले कि जैसे हमारी बेटी की शादी दोनों की हो जाएगी हम शादी करवा देंगे। तो एक बेटी की शादी फरवरी 2023 में शायद हुई थी, कंफर्म नहीं है, और एक की दिसंबर में हुई है, दिसंबर 2023 में, और हम लोग इधर मार्च 2024 तक हम लोग शादी फिक्स मतलब करने वाले थे। अच्छा, एबॉर्शन की नौबत क्यों आई? क्योंकि जब वो मान चुकी थी आप कि वो आपका पति है, बस वही था कि बस समाज के सामने हमें शादी करनी है, तो फिर वो चीज़ें क्यों सामने आई? उस आपने शर्त नहीं रखा कि बच्चा आपका ही है, पेट में हमारे पल रहा है, तो फिर हम लोग शादी ही कर लेते हैं, बच्चा अपना ही है, क्या दिक्कत है? जैसे मुझे पता चला मार्च में मेरे को पता चला कि ऐसा ऐसा हो गया है, तो अप्रैल 2 मंथ हो गया था,
तो मैंने उसको बताई कि ऐसा ऐसा हो गया है, आइए कोर्ट मैरिज करके और शादी करके मुझे घर ले चलिए। तो अब वहाँ से उसका माइंड डाइवर्ट होने लगा, क्योंकि उसके माइंड में, मेरे को अब समझ में आ रहा है कि उसके माइंड में हमसे शादी करना नहीं था, बस आया था मुझे यूज़ करने के लिए। और उसको जैसे बताई कि ले चलिए हमें शादी करके या इसी हालत में अपने घर ले चलिए, तो अब उसको अपनी इज्जत की डर लगने लगी। बोला कि इज्जत में ये हो जाएगा, तुम्हारे पति का नाम बिगड़ जाएगा, क्या चाहते हो कि तुम्हारे ऐसे हो, मतलब ऐसे इमोशनली मुझे बहुत ब्लैकमेल किया, बहुत ब्लैकमेल किया। फिर भी हम नहीं माने, बोले कि नहीं हमको नहीं करना था, फिर रहने दीजिए, जब एक ही बार शादी हो जाएगा उसके दिसंबर में ना, तो उसके बाद से आप इसी हालत में शादी कर लीजिएगा। तो बोला कि अच्छा ठीक है, तो आ गया अप्रैल में, बिना बताए आया वहाँ से, बिना बताए आ गया आके। और तबीयत मेरा ख़राब था, तबीयत ख़राब का दवा बोल के, और उसने मुझे बेबी मिसयूज का दवा खिलाया था मुझे बिना बताए, मुझे कंफर्म नहीं था, वरना हम खाए नहीं होते। बोला कि तबीयत ख़राब का खा लो, और जैसे दवा खाए तो स्टार्ट हो गया प्रोसेस, तो मुझे छोड़ के भाग गया था उसी हालत में, छोड़ के भाग गया था, हर जगह से मुझे ब्लॉक कर दिया था, सोशल मीडिया पे, हर जगह से, व्हाट्सअप से, इंस्टाग्राम से, हर जगह से मुझे ब्लॉक कर दिया था, नंबर वंबर सब चेंज कर लिया था। नंबर चेंज करने से पहले बहुत गंदी गंदी मुझे गालियाँ दिया था, बहुत गंदी गंदी, कि सही लड़की नहीं हो, तुम्हारा 77 जगह ये है, मुंह मरवाई हो, 77 लोगों के साथ तुम्हारा अफेयर है, हरामजादे ने एक लड़के के साथ तो एविडेंस मुझे दिया नहीं, उसके पास अगर कोई एविडेंस है तो ला के दिखाए। मैं तो अभी भी बोल रही हूँ कि अगर तुमको यही है तो आके मेरा डीएनए टेस्ट करवा लो, इससे बड़ा और क्या प्रूफ दे सकती हूँ। लेकिन नहीं, दोगला जो होता है ना, वो दोगला ही होता है, दोगला कभी अपना दोगलापंथी छोड़ता नहीं है, और वो दोगला ही इंसान था। यानी अबॉर्शन करने के बाद फिर आपके ऊपर वो चरित्रहीन का ये धब्बा लगा दिया कि ये चरित्रहीन है, ऐसा करने लगा वो। जी, बहुत गंदी गंदी मुझे गालियाँ देता, बज्जरन हो, ये हो, सेकेंड हैंड हो, तुम तो मेरे पैर की जूती बनने लायक नहीं हो, अपने घर की नौकर मैं तुमको ना बनाऊँ, शादी करने की तो बात बहुत दूर की, अपना शक्ल देखी हो, तुम्हारे जैसे लड़की 36 लड़की मेरे आगे पीछे घूमती है, ऐसा ऐसा वर्ड यूज़ कर रहा था। एबॉर्शन के पहले ये सारी बातें कभी नहीं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। कभी आपको लग रहा था कि पेट में आपके बच्चा पल रहा है, आपको मान लीजिए चलिए 2 महीने बाद पता चला, उसके पहले आपको कभी लग रहा था कि आपके साथ वो लड़का, नाम क्या बताया आपने? ध्रुव कुमार सिंह। ध्रुव कुमार सिंह, वो लड़का ऐसा कर सकता आगे फ्यूचर में, कुछ ऐसी चीज़ें लग रही थी, कुछ कुछ कभी ऐसी बातें, या फिर एकाएक ऐसे पलट गया वो? ऐसा कभी हुआ ही नहीं था, ये सडनली हुआ है। जैसे उसकी शादी तय हो गई थी, उस हमको लग रहा है कि 2021-22 में उसकी शादी बढ़िया घर में लगने लगी, और नेता था आदमी, चांदपुर में उसकी शादी तय हुई थी, उसके घर में हुई थी, 25-30 लाख दबा के दहेज मिल रहा था, लड़की बैंक में कैशियर थी, तब सरकारी जॉब था उसका, अच्छे से गाड़ी वाली मिल रहा था उसको, धाकड़ फैमिली मिली थी, जैसा वो दबंग है उसको दबंग फैमिली मिल रही थी, इसीलिए इतना सब किया है उसने। फिर उसके बाद फिर क्या हुआ? कुछ उसके बाद फिर बात बनने की कोशिश हुई? क्योंकि वो तो सब कुछ कर चुका है, एबॉर्शन भी करवा दिया, सारी चीज़ें हो गई, तो आपने नहीं कहा कि इसके पहले तो परिवार ने शर्त रखा, बातचीत हुई थी कि शादी होगी हम लोगों की, फिर उसके बाद आपने, आपके परिवार ने या उसके परिवार ने कुछ बातचीत? मेरे फैमिली वाले जब भी उसके घर पर जाते थे कि शादी करिए, बेटी को ला के रखिए, आखिर बहू है आपकी, दिसंबर में भी उसकी बहन की शादी थी, तो गए थे फैमिली की, ला के रखिए वो बहू है आपकी, अरे सिर्फ 2-4 लोगों को ना दिखाना है तो ला के अभी रखिए। तो उस टाइम से वो बदतमीजी उसका पापा करने लगा, बोला कि कौन सी शादी, कौन अनीता सिंह, हम किसी अनीता सिंह को नहीं जानते हैं, कौन लड़की है आपकी, हम किसी को नहीं जानते, मेरा बेटा किसी को नहीं जानता, तुम लोग पैसे के लिए ऐसा कर रहे हो, तुम्हारे जैसे लोग छत्तीस यहाँ आते जाते हैं हमारे जूता साफ करने के लिए, हम लोग नहीं जानते हैं तुम्हारी लड़की की, नहीं जानते, प्रूफ है तुम्हारे पास? और फैक्ट है कि 2017 में हमारे पास कोई फ़ोन वोन नहीं था, बच्ची थी, मेरे को मेरे फैमिली वाले फ़ोन अलाउ नहीं किए थे, एक छोटा फ़ोन था पापा जी का, नोकिया 16 का जो फ़ोन है, वही एक फ़ोन था। तो 2017 का मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था शादी का, लेकिन ध्रुव सिंह के फ़ोन में सारे प्रूफ है, सभी एविडेंस उसके फ़ोन में था, उसने फ़ोटो वगैरह लिया था उस टाइम का, अभी भी 2-3 फ़ोटो उसने मुझे भेजा था, तो 1-2 फ़ोटो उसमें का शादी वगैरह है, लेकिन उसके साथ का नहीं है, ऐसे ऐसे है। जिसने ये मान चुका थी कि आप उसकी बहू हैं, क्योंकि जब ये सारी चीज़ें तय हो चुकी थी कि बहू एक दिन बनना ही है, वो भी मुकर गया उस दौरान, ये ऐसी बातें करने लगा फिर? जी। फिर क्या आप लोगों ने सोचा, क्या आप, अब तो मुझे लग रहा है कि आप FIR भी कर चुके हैं, आप लोग शासन प्रशासन का चक्कर लगा रहे हैं कि हमें न्याय चाहिए, न्याय के रूप में आप क्या चाहते हैं, सजा चाहती हैं उसे या फिर क्या चाहते हैं आप? नहीं, हमको उसे सजा नहीं दिलवाना है, सजा दिलवा के मैं क्या करूँगी, जाएगा 10 साल जेले रहेगा, नौकरी छूटेगी, उससे हमको क्या फ़ायदा होगा, मेरी लाइफ तो चौपट हो गई है ना, मेरा अब मार्केट में कौन हमसे शादी करेगा, तो मुझे ना ही किसी और से शादी करनी है और ना ही उसको सजा दिलानी है,
मुझे बस यही है कि जिसके साथ मतलब गलत वर्ड मेरे पे यूज हो, जिसके नाम से मैं बदनाम हुई हूँ, बस उसी के नाम की मतलब उसी की पत्नी बनूँ, बस यही चाहिए मुझे। 376 वगैरह भी लग गया तो फिर तो ये तो सजा वाली ही बात ना हुई। अगर 376 लगेगा तो उसको सजा होगी, फिर कहाँ ये बात होगी कि नहीं उसे शादी करनी है, तब तो अगला पक्षारोपी हो गया। 376 हम जानबूझ के नहीं लगवाए हैं। फिर अगर वो आराम से शादी कर लिया होता, एक से दो महीना तक उसके और उसके माँ बाप को पूरा समझाया गया था, सभी लोग जाके हार पास के मान गए, तब जब नहीं माने तब मुझे ये केस करना पड़ा, वरना मैं शौक से थोड़ी ना केस की हूँ। उसी के साथ आपको रहना है? जी उसी के साथ रहना है। हम मिडिल क्लास फैमिली से ज़रूर हैं, पर हम लोग इज्जत के लिए मरते हैं। अगर कोई अगर और ये फैक्ट है कि कोई अरबों खरबों रुपया देके इज्जत नहीं खरीद सकता है। मेरी जो इज्जत बदनाम हो गई है, क्या कल जाके मैं अरबपति खरबपति भी बन जाती हूँ तो क्या मेरा इज्जत धुल जाएगा? नहीं धुलेगा। तो पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। और उन लोग बार बार मेरे घर पर आ रहे हैं लेकिन यही बोल रहे हैं कि तुम पैसे लेकर कहीं और शादी कर लो, मेरे बेटे को छोड़ दो। बार बार उसका बाप आता है, अभी भी उसकी बहुत सारी कॉल रिकॉर्डिंग हमारे पास है, हम शेयर करेंगे आपको सारी कॉल रिकॉर्डिंग, किस तरह से मुझे मेंटली मेरा ससुर टॉर्चर करता है, उसकी पत्नी टॉर्चर करती है, उसकी दो बेटियां किस तरह से मुझे मेंटली टॉर्चर करती है, सारे एविडेंस मेरे पास है। मैं सुनील सिंह जो ससुर मेरे मुझे टॉर्चर करते हैं उनके सारे वीडियो मैं शेयर करूंगी। तो बार बार वो आते रहते हैं कि पैसे लो, शादी करने के लिए नहीं आता है, सिर्फ पैसे देने के लिए आता है कि कुछ पैसा ले लो, और कुछ में भी 51 रुपया 151 रुपया ऐसा कुछ दे रहा, चंदा देने आ रहा है। तो क्या आप मान सकते हैं अगर वो एक बड़ा अमाउंट आपको देने को तैयार हो जाए, क्योंकि आपने अभी आप कैमरे बता रही थी कि बड़ी संपत्ति है उसकी, वैसे भी वो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, तो बड़ा अमाउंट देकर आपको अगर वो मनाना चाहे खरीदना चाहे तो मान जाएंगे आप? अगर वो मुझे 10 करोड़ भी देगा ना और बोलेगा कि अपने पति को बेच दो, नहीं बेचूंगी। 10 करोड़ भी देगा तभी भी मुझे नहीं करना है, मुझे शादी उसी से करना है, ध्रुव सिंह से ही मुझे शादी करना है। 2017 से पहले लग रहा था आपको कि ध्रुव सिंह आपसे वाकई में प्यार करता है, मोहब्बत करता है? जी 2017 के पहले लग रहा था। जी 2021 के पहले तक भी लग रहा था। उसके बाद ये चीज़ें हुई हैं। जी आखिरी बार बात कब हुई आपसे ध्रुव सिंह से? बात तो होती ही रहती थी, फरवरी में भी हुई है, 5-6 फरवरी तक 2024 तक बात हुई है व्हाट्सएप से, उसकी बहुत चैटिंग है, किस तरह से चैटिंग में मुझे मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया है उसने, गलत गलत एडिट किया हुआ मेरा मार्केट में फ़ोटो दूसरे लड़के के साथ एडिट करवाना, मेरा डॉक्यूमेंट्स एडिट करवा के मार्केट में फैला देना कि लड़की सही नहीं है, किसी और से शादी की हुई है, हमको फंसा रही है पैसे के लिए, मतलब जितनी भी जो भी बदतमीजी हो अपने वो हर लेवल तक जाके बदतमीजी कर लिया है। यानी वो छवि भी ख़राब करने की कोशिश कर रहा था कि समाज में इसकी छवि ख़राब हो जाए, ये थक हार के हमसे आकर माफ़ी मांग लेगी, ठीक है चलो मैं पीछा छोड़ दे रही हूँ, यानी वो पूरी कोशिश की कि उसका पीछा छोड़ दो। उसने तो कोशिश ये किया कि हम साइड कर लें। उसका बाप रोज हमारे द्वार पे आके दो दो तीन तीन लोगों के साथ आके धमकी दिलवाता है, गाली गलौज करता है, घर पे घुसता है, मारने की धमकी देता है, मेरे पूरे खानदान को मारने की धमकी दिया था। अभी मेरा बयान चल रहा था कोर्ट में, बयान को रुकवाने के लिए रात को मेरे घर में घुस गया था, घर पे कोई था नहीं, दो भाई थे, वो दोनों भाई एक मामा के यहाँ गया था, एक पटना ही रहता है छोटे, एक भाई एक मामा के यहाँ गया था, घर पे कोई था नहीं, मम्मी थी, दादा पूरा घर में घुस गया, पूरा फोटो वोटो दिखाने लगा, मेरी मम्मी पूरा डर गई थी, मेरी मम्मी बीपी पेशेंट है, पूरा कांपने लगी, बोली कि तुम्हारा फोटो ये दिखा देगा मार्केट में, ऐसे कर देगा वैसे कर देगा ऐसे कर देगा, बोला कि पुलिस को कोई बात अगर बता दी ना तुम्हारे पूरे खानदान को गोली मार देंगे, उसके पास जो होगा हम देख लेंगे। अरे आज पुलिस प्रशासन का है, उसको पैसा फेंक दो वो कहीं भी बिक जाएगा, ये बोला था। फिर भी मैंने डरते डरते जाके 4 अक्टूबर 2024 को मैं तहरीर ले जाके फेफना थाने पे दी थी। एसएचओ ने, वहाँ के एसएचओ ने मेरा तहरीर लेने से इनकार कर दी, एफआईआर दर्ज नहीं किए। 5 तारीख को भी मैं एसपी ऑफिस में गई थी, वहाँ पे भी जाके मैंने तहरीर दिया है, वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं हुई। महिला हेल्पलाइन नंबर पे भी 6-7-8 लगातार मैंने कॉल किया है, कोई सुनवाई नहीं हुई। तब मैं 9 अक्टूबर 2024 को, अभी 8-10 दिन पहले की बात है, मैंने साइड अटेम्प्ट करने के लिए ये स्ट्रेस कम एक दवा आता है वही मैं दवा खा ली थी, ताकि मैं ही मर जाती हूँ, मैं अगर मर जाऊँगी तो पूरा समस्या का समाधान ही हो जाएगा। अब हिम्मत नहीं रही है, पता है जब बाहर निकलते हैं ना तो लोग ऐसे ऐसे गलत गलत टोंट करते हैं, लोग क्या करते हैं, सुनील सिंह खुद करवाता है, जाती हूँ बाहर, डेट अगर आता है मेरा तारीख पे जाते हैं तो लोगों से पीछा करवाता है, परेशान करवाता रहता है, गलती गलती वर्ड यूज़ करवाता है, मतलब लोग जाते हैं दो दो तीन तीन लोग बाइक रहते हैं, फोर व्हीलर से रहते हैं, गलत गलत कॉमेंट करते हैं कि बहुत बार तो मुझे मरवाने की भी कोशिश किया है उसने।
अच्छा। ससुर मेरा। इसकी शिकायत आपने कभी प्रशासन से किया था कि मुझे जान से मारने की कोशिश? जी, उसी के लिए तो उलो FIR नहीं दर्ज किया, तो मैं 9 तारीख को स्ट्रेस कम दवा ली थी, कोई FIR उसने दर्ज नहीं किया। फिर लास्ट में मैं अपना FIR अप्लीकेशन छोड़ दी, फिर मेरी माँ, मेरी मम्मी भी जाके तहरीर दी थी। 17 तारीख को फेफना थाने में तहरीर दी है, 13 तारीख को बलिया SP ऑफिस में हम लोग तहरीर जाके दिए हैं फेफना थाने को, फिर 18 तारीख को भी तहरीर दिया है। FIR अभी तक SHO FIR दर्ज नहीं किया। आज 22-23 है ना, 23-24 है, आज तक अभी FIR फेफना थाने पुलिस एकदम टच ही नहीं कर रहा है हमारे फाइल को, बोलता है कि इसका मैम मामला न्यायालय में जा रहा है, तो ये न्यायालय से जाके ये मांगे सुरक्षा मांगे, न्यायालय आएगी हमें सुरक्षा देने, तो पुलिस फिर क्या कर रहा है? फालतू का ना तो पैसा ले रहा है, जब न्यायालय सुरक्षा देगी तो न्यायालय का काम है न्याय देना, सुरक्षा करना काम न्यायालय का नहीं है। बोला कि इसका मैटर न्यायालय में चल रहा है, तो न्यायालय से जाके सपोर्ट मांगे। अब इन्हें उम्मीद है कि इनके साथ न्याय होगा। अब अंतिम विकल्प इनके सामने है कि हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे, और उन्हीं से अब इन्हें उम्मीद है, आखिरी विकल्प है कि हम उन्हीं से मिलेंगे तो हमें न्याय मिल जाएगा, और हमें भी उम्मीद है कि शायद ये वहाँ तक पहुँच जाएंगी तो उनके साथ न्याय होगा। आप क्या कहेंगे? इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिएगा।